News 18, India. करने के लिए 2047 वाला षड्यंत्र चल रहा है। आखिर देवबंद को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उसने गजवाए हिंद के पक्ष में फतवा जारी कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि देवबंद में कुछ लोग पाकिस्तान के इशारे पर देशद्रोह की साजिश कर रहे हैं? देवबंद की गजवाए हिंद साजिश। इस्लामिक शिक्षा के केंद्र दारुल उलूम देवबंद ने एक ऐसा फतवा जारी किया है जिस पर सियासी कोहराम मच चुका है। गजवाए हिंद के समर्थन में देवबंद ने फतवे के जरिए ऐसी तारीफ की है जिसे जरा भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आखिर देवबंद को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वो गजवाए हिंद की आड़ में साजिश कर रहा है? क्या देवबंद विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहा है? गजवाए हिंद है क्या और देवबंद ने इसके समर्थन में क्या फतवा जारी किया है, जरा इसे भी जान लीजिए। गजवाए हिंद भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामीकरण की जंग का समर्थन करता है। देवबंद ने अपने फतवे में भारत में गजवाए हिंद के मकसद का समर्थन किया है। देवबंद ने गजवाए हिंद को वैध ठहराया है। हजरत अबू हुरैरा की हदीस सुनाने का दावा करते हुए फतवा जारी किया गया है। गजवाए हिंद में लड़ने और दौलत कुर्बान करने की बात का देवबंद ने अपने फतवे में जमकर समर्थन किया है। देवबंद ने अपने फतवे में गजवाए हिंद के दौरान शहीद होने वालों को महान बलिदानी होने का भी दावा किया है। यहाँ तक कि गजवाए हिंद के दौरान जिंदा रहने वालों को गाजी होने का दावा देवबंद ने अपने फतवे के जरिए किया है। फतवे में किताब को प्रिंट करने वाली कंपनी का नाम भी दिया गया है। गजवाए हिंद पर देवबंद का फतवा। निश्चित तौर पर जो कोई भारत का तालिबानीकरण करना चाहेगा, भारत के पंथ निरपेक्ष जो व्यवस्था है उसका जो कोई भी इस्लामीकरण करना चाहेगा वह कानूनी कार्रवाई का पात्र होगा। फतवे का मतलब ये होता है, एक आदमी एक सवाल लिखकर देता है, उसका जवाब मुफ्ती लोग कागज पर लिखकर दे देते हैं। ये जो आप बता रहे हैं जिस फतवे का आज जिक्र हो रहा है, ये आज का फतवा नहीं है, ये तो दसों साल पुराना है। गजवाए हिंद का मतलब है कि भारत में इस्लाम के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध। अब सवाल उठता है कि देवबंद ने गजवाए हिंद की तारीफ करने वाला फतवा जारी क्यों किया? क्या देवबंद भारत में किसी तरह की इस्लामिक जंग का समर्थन करता है और क्या देवबंद देश विरोधी फतवे को जारी करके भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है? इन्हीं सब सवालों ने देश में सियासी गदर मचाया हुआ है। गजवाए हिंद पर फतवा, देश विरोधी एजेंडा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देश की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था दारुल उलूम देवबंद के सैकड़ों मदरसे देश में मौजूद हैं। अब सवाल उठता है कि देवबंद गजवाए हिंद पर ऐसे फतवे क्यों जारी कर रहा है जिससे देवबंद के मदरसों में पढ़ने वाले हजारों छात्रों के दिमाग में जहर घोला जा रहा है? क्यों मदरसों के छात्रों को गजवाए हिंद के जरिए भारत में गैर मुस्लिमों के खिलाफ जंग को जायज ठहराने की कोशिश की जा रही है? दारुल उलूम देवबंद गजवाए हिंद को मान्यता देने वाले फतवे पर घिर चुकी है। फतवे में गजवाए हिंद का महिमा मंडन किया गया है और इस्लामिक दृष्टिकोण से वैध ठहराया गया है, लेकिन अब एक्शन लेते हुए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग यानी कि NCPCR ने इस फतवे को देश विरोधी बताते हुए सहारनपुर DM और SSP से FIR दर्ज करने को कहा है। NCPCR ने DM और SSP से 3 दिन में जवाब मांगा है। दारुल उलूम के फतवे को बाल संरक्षण आयोग ने देश विरोधी बताया। सहारनपुर जिला प्रशासन ने FIR करने की मांग की गई। आयोग के अध्यक्ष ने सहारनपुर DM SSP को पत्र लिखा। फतवे में गजवाए हिंद को महिमा मंडित करने का आरोप है।
दारुल उलूम देवबंद अपनी वेबसाइट पर लिखते हैं कि गजवाए हिंद करते हुए यानी भारत पर हमला करते हुए अगर कोई शहीद होता है, कोई मारा जाता है, तो वो उसका सर्वोच्च महान बलिदान माना जाएगा। इस तरीके का जहर बच्चों के दिमाग में भरना खतरनाक है, और बच्चे भी भारत के हों या पाकिस्तान के हों या बांग्लादेश के हों, हमारे देश के खिलाफ उनके दिमाग में नफरत पैदा करना, हमारे देश को उन बच्चों के दिमाग में दुश्मन की तरह निरूपित करना राष्ट्रद्रोह है। राष्ट्रीय NCPC का एक आर्डर प्राप्त हुआ है जिसमें FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को इस पत्र को भेजा गया है, साथ ही जिसके क्रम में CO और SDM देवंद उसकी तस्दीक करके और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। गजवाए हिंद के समर्थन में फतवा जारी करके देवबंद ने बवाल खड़ा कर दिया है। इस्लामिक शिक्षा के केंद्र दारुल उलूम देवबंद ने अपने फतवे में ये साबित करने की कोशिश की है कि जो भारत में शहीद होगा वो बलिदानी कहलाएगा और जो बचे रहेंगे वो गाजी कहलाएंगे। अब आप ये भी जान लीजिए कि गजवाए हिंद अपना मकसद देश और दुनिया में कहां पूरा करना चाहता है, जरा इससे जुड़े नक्शे को भी समझ लीजिए। गजवाए हिंद के तार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में गजवाए हिंद का नेटवर्क इस तरह से फैला हुआ है कि इसकी आसानी से पहचान कर पाना भी काफी मुश्किल है। भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और यमन समेत कई देशों में इसके तार हैं। इस्लाम के अनुसार से लेजिटिमेट कर रहे हैं, वही भारत के कानून के हिसाब से देशद्रोह है। इसकी परिभाषा को इनको समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और उनकी भाषा पर भी नियंत्रण करना पड़ेगा। देवबंद की गजवाए हिंद साजिश, यही वजह है कि देवबंद के फतवे के खिलाफ BJP अब खुलकर विरोध पर उतर आई है। BJP ने जहां इसे देश के तालिबानीकरण की साजिश बताया है, तो वहीं हिंदू धर्म गुरुओं ने इसे गहरी साजिश करार दिया है। लादेन से लेकर बगदादी तक उसी विचार से जुड़े हुए लोग रहे हैं, तो देवबंद में तो हमेशा इस काम हुआ है। कब नहीं, हमारी इंटेलिजेंस ने हमेशा बताया है कि देवबंद आतंकी गतिविधियों में लिप्त है, आतंकी यहां से पकड़े जाते हैं, हमेशा होता है। तो ये कौन सा नया काम देवबंद ने किया? अब आप ये भी जान लीजिए कि गजवाए हिंद आखिर है क्या। गजवाए हिंद सैकड़ों साल पुराना शब्द है। गजवाए हिंद का मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले काफिरों को जीतने से है, यहां रहने वाले बाशिंदों के साथ युद्ध से है। गजवाए हिंद में गजवा का मतलब इस्लाम को फैलाने के लिए लड़ी जाने वाली जंग से है। आसान भाषा में समझें तो गजवाए हिंद का मतलब जंग में भारत को जीतकर इसका इस्लामीकरण करने से है। उसे गजवा नहीं कहते, बल्कि ये एक तरह से तखरीबकारी है जो लोग कर रहे हैं। यानी मैं आज ये बात कहूंगा कि मदरसों के अंदर आज तेजी के साथ मदरसे मॉडलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। लोगों की जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण होती हैं, और जब वो लोग बड़े होने के बाद अपनी बड़ी जिम्मेदारी का बोध ना कर अब बहुत तरह के फतवे वेबसाइट पर जारी करने लगे, तो उसके परिणाम निसंदेह घातक तो होते ही हैं, दुखद भी होते हैं। बताइए कौन सा देश ऐसा है जिस देश में हम रह करके गजवाए हिंद करते हैं।